महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। महंगाई से देश और मध्य प्रदेश भी बहुत ज्यादा परेशान है। पेट्रोल के दाम से पूरे देश की जनता के संगे संगे मध्य प्रदेश की जनता भी बहुत परेशान है और सबके लाने जब महंगाई नजर आ रही है, सिवाय बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी जो भोपाल से हैं, उनके एक बयान के द्वारा कही गई है कि कांग्रेसियों के लाने बस पेट्रोल के दाम दिखा बढ़ावे की भ्रमती फैलाई जा रही है और पेट्रोल के दाम कछु बढ़े नहीं है। तो सांसद जी से क्या वो चाहते हैं कि सांसद जी आपके लाने और जो बीजेपी नेता हैं जो उनके लाने अपने जेब से पेट्रोल नहीं भरवाना पड़े, उनके लाने महंगाई नज़र नहीं आ रही, बाकी कांग्रेसियों के संगे संगे आम जनता और बीजेपी की कछु कार्यकर्ताओं को भी नज़र आ रही है, मनो भी बेचारे कह नहीं पा रहे और जो कांग्रेसी और आम जनता कह रही है उनकी बात आप तक पहुँच नहीं पा रही है। सो ऐसी भ्रमतियाँ कांग्रेस अकेली नहीं फैला रही, भ्रमतियाँ शायद आपके मन में है कि पेट्रोल बहुत सस्ता है और जो दिना आप और पेट्रोल के लाने अपने जेब से पैसा निकाल के भरवान लगो उतना आपके लाने भी सस्तों लगन लगे। कैसे अगर आपके लाने याद हो जब आप औरों की सरकार नहीं हती तब आप और पेट्रोल के दामों को विरोध कराते जब 75-80 रुपया तक को पेट्रोल हतो और आज पेट्रोल 110-115 पहुँच रहा है। तो इन चीज़ों के लाने आप ध्यान देवें और इस तरीके के बयान जो आप दे रहे हैं उसके लाने थोड़ा अच्छे जानकारी के साथ दे रहे हैं तो बड़ा अच्छा आनंद आए बात बहुत शानदार तो कमेंट आए हैं। अब साध्वी जी के ए बयान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और मिलते हैं अपन तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लाने जय बुंदेलखंड।